दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं Redmi Note 4 जो Amazon India पर स्पेशली आपके लिए बिक रहा है। और इसके मैं फीचर्स बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। ये 12 SIM है और आपको मिलेगा ये 6999 जिसमें आपको मिलता है 2 GB रैम होगा और इसके साथ साथ 16 GB रोम मिलेगा। रोम मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ इसको और आपको दिखाता हूँ इसके पैकेट में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने इस बॉक्स को ओपन कर दिया, ये वाइट गोल्ड कलर का है। इसके अंदर आपको मिलेगा ये चार्जर, ठीक है, ये चार्जर 5 वोल्ट एम्पीयर का चार्जर है। और इसके अंदर आपको जो है 0.35 एम्पीयर का इनपुट होगा और 5 वोल्ट यानी कि 2 एम्पीयर का चार्जर है। और ये आपका डेटा केबल होगा। इसके साथ आपके साथ कोई हेडफोन जैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये पिन आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फोन को और देखते हैं। और पीछे इसके देखिए यहाँ पे काफ़ी फिनिशिंग है, पूरा मेटल बॉडी है। और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है सबसे खासियत बात है इस पर, चाहे 6000 वाला फ़ोन हो, चाहे 7000, चाहे 9, 11, सबके साथ जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कैमरा यहाँ टॉप पर है और यहाँ पे ऑटो फोकस है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसमें, जो 3S या 3S प्राइम था उससे काफ़ी अच्छा इसमें फीचर्स दिया गया है। और ऊपर इसके कॉर्निंग ग्लास भी प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब तक ये स्विच ऑन होता है तब तक मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ आपको। ये यूज़र गाइड से और यहाँ पर आपके फीचर्स मैं बता दे रहा हूँ। ये 6999 का फ़ोन है, इसके साथ आपको चार्जर मिला है और एक डेटा केबल मिला है। मैंने फ़ोन को स्टार्ट कर लिया, ये देखिए काफ़ी अच्छा UI है इसका, MIUI 9 दे रहा है इसमें। अभी मैं इसके दिखा देता हूँ इसमें कितना रैम आपको मिलेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें मिल रहा है वो सारा मैं दिखा देता हूँ। तो अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 2 GB का रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपको जो ऐप वगैरह पहले से इंस्टॉल है उन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो है अभी भी आपको 1.63, यहाँ पर देखिए 1.63 का जो है आपको स्टोरेज मिल रहा है, 1.63 GB। और अदर फाइल्स जो है यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा है। तो काफ़ी कैमरा देखते हैं इसका कैमरा कैसा है। कैमरा इसको फोकस करते हैं पहले, तो देखिए ये कैमरा, मैंने ये फ़ोटो क्लिक किया तो काफ़ी अच्छा कैमरा भी दिख रहा है इसमें। वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखते हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है तो वीडियो भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ये मैं फ़ोटो खींचा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, ये देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो HD क्वालिटी में है। और फ़ोटो दिखाता हूँ, ये फ़ोटो जूम किया मैंने तो फ़ोटो भी फट नहीं रहा है। काफ़ी अच्छा कैमरा जो है इसका। और बैटरी जो है 4100 mAh की बैटरी आपको मिलेगी और काफ़ी स्मूथ रनिंग है। अगर आप सिंपली फ़ोन यूज़ करते हैं, जियो सिम यूज़ कर सकते हैं, तो 7000 रुपये में ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बजट फ़ोन है, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इस फ़ोन को ख़रीदें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।